नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ और गंगुलीहाट में जुआ खेलते पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पिथौरागढ़ नगर के टखाना में एक भोजनालय की छत में जुआ खेल रहे 4 लोगों हरेंद्र मोहन, दीपक जोशी, ब्रजेश पांडे व महेंद्र सिंह को उप निरीक्षक अनिल कुमार, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कुंदन अधिकारी व दीपक पंत द्वारा जुआ खेलते पकड़ा गया। उनसे 19,000 रुपये व ताश की गड्डी भी बरामद की गई, जिनके खिलाफ धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। वहीं गंगोलीहाट में थानाध्यक्ष मदन बिष्ट की अगुवाई में उप निरीक्षक मोहन जोशी, कांस्टेबल राहुल रावत, प्रकाश चंद, कमल तोलेरा व भरत कुमार द्वारा गंगोलीहाट बाजार में सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलते 6 आरोपियों विनोद मेहता, लक्ष्मण सिंह, कमल सिंह, इंद्रजीत सिंह, पंकज कुमार व रजत प्रसाद को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया और उनसे 6,300 रुपये और ताश की गड्डी बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पिथौरागढ़ में बीते एक दिवस पूर्व पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नैनीसैनी हवाई पट्टी पर स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यहां बीते दिवस लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से नगरवासियों ने भेंट की और उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड में स्वरोजगार से आमदनी बढ़ाने को लेकर शीघ्र ही महाराष्ट्र से उन्नत काश्तकार बुद्धिजीवियों की एक टीम उत्तराखंड आएगी, जो यहां के किसानों और अन्य स्वरोजगार से जुड़े लोगों से मिलकर उन्हें व्यवसाय को और आगे बढ़ाने की बारीकियाँ सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने अन्य कई विषयों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोरा, भाजपा नेता गिरीश जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश जोशी, भाजपा नेता राजेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे आदि द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इससे पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने युवा साहित्यकार ललित सौर्य की पुस्तक द मैजिकल ग्लव्स का विमोचन भी किया। हमको 100 रुपया 80 रुपया मिलते हैं तो उनके माध्यम से किस प्रकार से पेटेंट करा के हम ऐसी सब चीज़ों का चाहिए वो हमारी सब्जी हो कोई भी हो पेटेंट करा के हम उसको ऐसे चौगुने दाम पर बेच सकें जैसे महाराष्ट्र वाले बेच रहे हैं, ऐसे हम भी कर सकते हैं। इसी और आप सबके माध्यम से भी मेरा निवेदन है हम ऐसे सारे लोगों की लिस्ट बनाएँ और इकट्ठा करके और ऐसे सारे प्रयत्न करें जिसके माध्यम से यहाँ लोगों को स्वरोजगार मिले, कुटीर उद्योग हो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, फिशरी के क्षेत्र हो, डेयरी के क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में काम करने का अवसर करेंगे। इस अलग पानी पिथौरागढ़ के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग में कर्मियों ने 7वें वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई न होने पर अब आगामी 8 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। यहां सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में कर्मियों ने सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिनों अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, जो निंदनीय है। कर्मियों ने मांगों को लेकर आगामी 7 नवंबर तक उचित कार्रवाई न होने पर 8 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। बैठक में दिवाकर सिंह, विक्रम सिंह, गोपाल सिंह, लक्ष्मीदत्त चौसाली, रामीचंद, कल्याण सिंह, रघुवर सिंह, रमेश सिंह, राजेंद्र सिंह, चंद्र सिंह, ओमपाल, बलबीर वाल्मीकि आदि मौजूद थे। हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए व पिथौरागढ़ समाचार ग्रुप व्हाट्सएप व टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।